जय गुरु जी संगत जी। आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर, और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं, तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ,
आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान है संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। लोग रोज़ रोजी रोटी के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं, जब रात को घर वापस आते हैं जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के ज़माने में, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो गया है संगत जी, और आगे तो और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, आप देख लेना। संगत जी आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब एक रिक्शे वाला, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है, उस परेशानी का नाम है पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर में आपको मिल जाएगी। मैटर नहीं करता कोई अमीर है गरीब है, अमीरों को तो बल्कि ज़्यादा पैसे चाहिए संगत जी। अमीर लोग तो बेचारे देखो उनका हिसाब ऐसा होता है बिजनेसमैनों का, 5 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है। गरीब आदमी को संगत जी क्या चाहिए, 100 रुपये मिल जाए वो अपना घर की 2 सब्जियां ले जाएगा उसमें, है ना। गरीबों को देखो पैसे भी कम चाहिए उनको, अमीर आदमी को पैसे भी ज़्यादा चाहिए, खर्चा भी ज़्यादा होता है। गरीबों का खर्चा होता है पर पैसे नहीं होते पास में, तो यही हाल है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को यही कह रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रितु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रितु मल्होत्रा गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई थी 2022 के अंदर। 2022 का वो ऐसा साल था जिस साल में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया, पाया गुरु जी को, उसके बाद तो कोई है ही नहीं ना संगत जी, उसका तो कोई वो मतलब आप कह सकते हो कि जो मैंने इतना कुछ मैंने खोया संगत जी उस साल के अंदर, और आखिरी में साल का अंत होते होते मैं गुरु जी के पास आ गई थी। अब खोया क्या क्या मैं संगत जी आपको पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ, प्लीज़ आप ना सत्संग को ना पूरा सुन लेना संगत जी, और लाइक शेयर तो ज़रूर करना ही करना है। हुआ पता है क्या संगत जी, उस साल 2022 के स्टार्टिंग में जनवरी में
मेरे पापा की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। हमने संगत जी इलाज करवाया, स्टंट डले उनके हार्ट में जो ब्लॉकेजेस के लिए होते हैं, जिससे कि ब्लॉकेजेस वगैरह सब ठीक हो जाती हैं, जो हार्ट की दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है अगर स्टंट अंदर डल जाए तो। संगत जी स्टंट डलवाए, पापा को दो स्टंट डले, डॉक्टर कहते हैं अब ठीक है, अब इनका टाइम अच्छा गुजर जाएगा, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा खाने पीने का परहेज था, ये चीज़ें खानी है ये नहीं खानी, पापा पूरा फॉलो करते। संगत जी मेरे पापा ने कभी, आप देखो बाकी चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है, मेरे पापा ने कभी प्याज और लहसुन तक नहीं खाया हुआ, जो कि सब्जियां होती हैं, वो तक नहीं खाया था मेरे पापा ने कभी ज़िंदगी में। बाकी चीज़ें खाना पीना ऊट पटांग नॉन वेज वेज तो बड़े दूर की बातें हैं वो तो सारी, प्याज लहसुन मेरे पापा नहीं खाते थे संगत जी। उसके बावजूद उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, डाइट का पूरा ध्यान रखा हमने भी और पापा ने भी पूरा देख संभल के सब चीज़ें खाई। संगत जी 2 महीने के बाद ही मेरे पापा को एक सीवियर हार्ट अटैक आया घर में। घर में मेरे पापा संगत जी आराम से बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते संगत जी अटैक आया और पता भी नहीं चला वो कब हम सबको छोड़ के चले गए, सबको छोड़ के चले गए पापा संगत जी। वो टाइम हमारे लिए ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कहते हैं आप डेड बॉडी को यहाँ ले आए हो, मैं क्या इलाज करूँ, क्या इलाज करूँ, मैं डेड हैं बिल्कुल ये, क्या मैं इनका हार्ट अटैक मैं ठीक करूँ, डॉक्टर ने ऐसे बोला। संगत जी गुस्सा तो बहुत आया डॉक्टर के ऊपर कि ये क्या बोल रहे हैं, पर क्या करें उस टाइम संगत जी, ऐसा टाइम होता है कि इंसान को ऐसे ही रहना पड़ता है। ठीक है, वो टाइम बीता हमारा। उसके थोड़े टाइम के बाद ही उसी साल में मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई। पापा का संगत जी गम उनको इतना ज़्यादा लग गया था ना, वो गम कि मम्मी मेरे चले गए दुनिया छोड़कर, और मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया संगत जी, सब कुछ ख़त्म हो गया था मेरा। घर में आज मेरे कोई है ही नहीं, कोई घर में है ही नहीं संगत जी। मैं मायका तो तब कहूँ ना जब मेरे कोई घर पे हो, कोई नहीं है, ना मेरा कोई भाई है ना मेरा कोई बहन है, सिर्फ अकेली अकेली हूँ संगत जी। मुझे पता है कि मैं लाइफ कैसे काट रही हूँ, कैसे ज़िंदगी चल रही है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ संगत जी, और कोई नहीं जानता ये बात। उसके बाद मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी का पता चलने के बाद तो संगत जी लाइफ ऐसे बदली है ना, मतलब ऐसे बदली है लाइफ की बताना बड़ा मुश्किल है। मतलब जो चीज़ें पहले मेरे दिमाग में थी ना, वो आज मेरे दिमाग से गुरुजी ने निकाल दी हैं, निकाल दी गुरुजी ने संगत जी। क्योंकि मैं पहले, मेरा सोचने का नज़रिया अलग था, सोचती कुछ और थी, करती कुछ और थी संगत जी। गुरुजी महाराज ने सारी मेरी परेशानियां ख़त्म करी, दिमाग जो मेरा टिकाने पे नहीं था ना, गुरुजी मेरा दिमाग टिकाने पर लेकर आए और मुझे ब्लेस करा संगत जी। आज मैं देखो, जो चीज़ें ख़त्म हो गई वो तो वापस नहीं आ सकती, जो हो गया वो तो कोई भी संगत जी बदल नहीं सकता ना, है ना। मम्मी पापा चले गए, वापसी तो वो नहीं आ सकते, हाँ, पर गुरुजी मेरा ध्यान वहाँ से हटाकर, गुरुजी ने मेरे बच्चों में अपने घर परिवार में ध्यान लगा दिया ताकि मेरा वहाँ ध्यान ना जाए और मैं आगे बढ़ूँ। संगत जी जाना सबने है, ये पता है, सबको पता है कि सबने जाना है ये दुनिया छोड़कर, कोई आज कोई कल कोई परसों, कोई 4 दिन बाद, कोई 6 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई महीने बाद, तो कोई साल बाद, संगत जी जाएंगे सब, तय है। बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रुक पाए तो हम जैसे लोग क्या हैं संगत जी, हम जैसे लोगों की कहाँ औकात है इतनी। तो प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।